ड्रग्स और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एलओसी के आसपास 26 बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने का प्लान किया जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है। अब इन आउटपोस्ट से ड्रग्स तस्करों पर नजर रखने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान से ड्रग्स की तस्करी और कश्मीर में मिलिटेंट गतिविधियों में उनके इस्तेमाल को रोकने के लिए कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपोरा के 3 सीमावर्ती जिलों में एलओसी के आसपास 26 बॉर्डर पोस्ट बनाई जा रही हैं। गृह मंत्री के मंजूरी की बात आ रही है और इनकी स्थापना शुरू हो चुकी है। 84 लाख रुपए की लागत से माछिल, गुरेज, केरन, तंगधार पुलिस डिवीजन, हंदवाड़ा, उरी और उत्तरी कश्मीर के अन्य क्षेत्रों के ऊपरी इलाकों में ये चौकियां बनाई जा रही हैं। डीजीपी के मुताबिक हाल के दिनों में कुपवाड़ा में 45 करोड़ रुपए की हीरोइन के साथ 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आतंकियों के मददगारों ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने आतंक को जिंदा रखने के लिए ड्रग्स और हथियार भेजने की दोहरी रणनीति का इस्तेमाल किया था, जिसमें ड्रोन वाली साजिश शामिल है, जिसमें पंजाब पुलिस की भी सहायता ली जा रही है। पहले भी हमने जब पुंछ में पकड़ा था तो उस वक्त भी 1.5 करोड़ के आसपास की रकम थी। अभी ये 2.5 करोड़ के आसपास की रकम है। ये कुछ पैसा कैश में ही वापस लौट जाता है और वहाँ से दहशतगर्दों को जो इस तरफ लॉन्च करते हैं या जिनको इस तरफ पैसा भेज के दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाई जाती हैं, आजकल ड्रोन के ऊपर भी पैसे बांध के भेजे जाते हैं।